हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास को। पिछली क्लास में हमने क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म्स। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म में हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। क्लोरोफॉर्म किसकी तरह यूज होता है? एज अ सॉल्वेंट। किसको? डिसॉल्व करने के लिए फैट, वैक्स, रबर, रेजिन एटसेट्रा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों को डिसॉल्व करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड यूज है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट्स, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। लेबोरेटरी रिएजेंट्स में क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन्स के आइडेंटिफिकेशन में आयोडाइड्स के और ब्रोमाइड के टेस्ट के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड है एनेस्थेटिक एजेंट, यूजेस एनेस्थेटिक एजेंट एंड द प्रिजर्वेशन। आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को हमारी ओल्ड जो एलोपैथिक सिस्टम था उसमें एज अ एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता था डॉक्टर के थ्रू पेशेंट को, बट ड्यू टू सम डिफेक्ट एट प्रेजेंट हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर भी हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट एंड द प्रिजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरीटोन। आपको पिछली केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको क्लोरीटोन बनाना सिखाया जो एज अ ड्रग यूज होती है, मेडिसिन के रूप में होती है। क्लोरोपिक्रिन एक कंपाउंड बनाया था जो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को किल करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जिसे हम लोग टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं, ठीक है बेटा। टेफ्लॉन का यूज आजकल जो नॉनस्टिक बर्तन आपके घरों में यूज होते हैं किचन में, उनकी इनर लेयर नॉनस्टिक बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ पॉलीमर है। इसके अलावा टेफ्लॉन का यूज गैस्केट बनाने में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं उनका जो लोअर नीचे का पेंदी वाला पार्ट होता है उस पर भी टेफ्लॉन लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। मैंने प्रिपरेशन मेथड भी यहाँ पर बता दी है। क्लोरोफॉर्म लीजिए, SbF3 की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराइए, कंपाउंड बनाइए और उसको फिर पॉलीमराइजेशन कराइए तो आपको क्या मिल जाएगा? टेफ्लॉन मिलेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पर हमारे पास छूट रही थी जिसे मैंने यहाँ बता दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल आर एसीटोन, मैंने दिखाया है रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल आर एसीटोन विद ब्रोमीन, विद ब्रोमीन KOH की प्रेजेंस में। ब्रोमीन रिएक्ट करता है एथिल अल्कोहल से या एसीटोन रिएक्ट करता है ब्रोमीन या आयोडीन से KOH के साथ। अगर ब्रोमीन करता है तो ब्रोमोफॉर्म बनता है और अगर आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। अगर क्लोरीन की कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म भी बनेगा। तो इन तीनों रिएक्शन को, चाहे वो ब्रोमोफॉर्म बने या आयोडोफॉर्म बने या क्लोरोफॉर्म बने, तीनों ही तरह की ये रिएक्शंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉमनली नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिएगा यहां पर हमने इसका मेथड बताया। तो सबसे पहले एक स्टेप में आप कैसे बनाएंगे? वन स्टेप में
कोई भी हैलो फॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन के साथ कराइए, क्या बन जाएगा 6NaOH लीजिए या KOH भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। NaOH या KOH लीजिए, कंपाउंड क्या बनेगा CHX3 plus HCOONa plus 5NaX plus 5H2O। ये जो X है इस जगह पर, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, X की जगह आप ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीके से वी पॉइंट में मैंने लिखा है, अगर हम इसे ब्रेक करके एसीटोन से बनाना है हमको तो हम कैसे दिखाते हैं। अगर किसी हैलोजन की रिएक्शन NaOH से कराइए तो पहले स्टेप में NaOX बनेगा प्लस HX बनेगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अब आप एसीटोन के साथ कराइए तो 3 मोल आप इसके ले लीजिए, 3NaOX बनेगा बेटा, गिव्स आउट क्या बनेगा CH3CO CH3 और NaOH। नेक्स्ट स्टेप में ये बने हुए कंपाउंड को उठाइए यहां से, CH3CO CH3 की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, CHX3 प्लस CH3COO ये बन गया आपका हेलो फॉर्म। अब आप एक काम करिए, इन तीनों रिएक्शन में लेफ्ट और राइट साइड जो चीजें सेम हैं उनको आप क्या कर दीजिए बेटा, उन चीजों को आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये CH3COCH3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक NaOH यहाँ है और 3NaOH यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने क्या लिया 4NaOH, ठीक है। यहाँ क्या बचा CH3COCH3 बचा, ठीक है बेटा, और प्लस NaOH बचा ही था, X एक हैलोजन यहाँ एक बार हमने यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन को हमें बैलेंस करते हुए लेकर के चलना है, इसके मोल बनाने हैं 3, तो इस पूरी रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो ये 3X2 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 ये हो जाएंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, जो सेम चीजें हैं मैंने कहा उनको कैंसिल कर दीजिए, आपको फाइनली रिएक्शन मिलेगी CH3COCH3 प्लस 4NaOH प्लस 3X2 gives out CHX3, यही है हेलो फॉर्म, 3NaX प्लस CH3COONa प्लस 3H2O प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, कि वेन जहां पर X2 Br2 है तो ब्रोमो फॉर्म इज ऑप्टेन, एंड वेन X2 इज I2 देन आयोडो फॉर्म इज ऑप्टेन, ओके। ये जो हेलो फॉर्म रिएक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंपाउंड देते हैं, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, कई बार इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि CH3OH हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता, जबकि मेथिल अल्कोहल है ये नहीं देता, जबकि एथिल अल्कोहल देता है, क्योंकि हेलो फॉर्म रिएक्शन की एक शर्त है, वही हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे जिनमें जिनमें बेटा क्या होगा, ये देखिए बीटा हाइड्रोजन होंगे, जिनमें क्या होगा, ये कंपाउंड होगा CH3CO, ओके। तो ये होना चाहिए, ये ग्रुप जरूर होगा, होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। फिर हम यहां पर कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉपर्टी। तो बेटा यहां पर देखिए जरा प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो आपका ब्रोमो फॉर्म है, ब्रोमो फॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमोफॉर्म इज स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और एक चीज सेकेंड पॉइंट में आयोडोफॉर्म को मैंने लिखा, आयोडोफॉर्म इज द फाउल स्मेलिंग येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयोडोफॉर्म फाउल स्मेलिंग और येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, अब चूंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 119 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बोथ इनसॉल्युबल इन वाटर,
कौन? दोनों ही ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, दे आर लीस्ट स्टेबल, ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं देन क्लोरोफॉर्म, किसके कंपैरिजन में? क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में। आयोडोफॉर्म लिबरेट I2 इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एयर एंड लाइट, एयर और लाइट और मॉइस्चर के नमी की प्रेजेंस में क्या करता है? आयोडोफॉर्म से आयोडीन रिलीज होती है। चूंकि आयोडोफॉर्म गिव, अब देखिए आयोडोफॉर्म गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, आयोडोफॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक। और एक चीज कि अभी भी मैंने बताया कि रेडियली रिलीज I2, आयोडीन से आसानी से I2 निकलती है, रिलीज होती है, सो यूज एज एंटीसेप्टिक, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आयोडोफॉर्म का यूज हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। एक्चुअल में देखिए बेटा, जो एंटीसेप्टिक नेचर है आयोडोफॉर्म का, वो आयोडोफॉर्म का अपना नेचर नहीं है, वहां से निकलने वाली जो आयोडीन है वो इसे एंटीसेप्टिक बना देती है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ आपका, ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।